Welcome back to my YouTube channel. Today I am here with a very interesting session because today I am going to teach you how to attempt the questions in your examination, and this is going to be very interesting क्योंकि सोशल साइंस जो है वो मैथ्स की तरह बहुत ही अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, लेकिन स्टूडेंट्स जो हैं वो उनको वे ऑफ प्रेजेंटेशन नहीं आता और वो अच्छे से मार्क्स अचीव नहीं कर पाते हैं। एक्चुअली आप कितने सारे सब्जेक्ट्स लर्न करते हैं, ऑलमोस्ट 6 और 7, लेकिन एक इकलौता सोशल साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप जीते हैं, जो आपकी डेली लाइफ में आपके साथ रहता है, लाइक ट्रीज। आप सांस लेते हैं, ऑक्सीजन आपको ट्रीज से मिलती है, तो ट्रीज को हमने एक नाम दे दिया वनस्पति हमारी सोशल साइंस में। वाटर, जो आप रोजाना बिना पानी के सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, वाटर आपको फ्रेश वाटर कहाँ से मिलता है, स्लाइन वाटर कहाँ पर होता है, और जो रिवर्स होती हैं जब वो अपने ओरिजिनेट होती हैं और उसके बाद जब समुद्र के अंदर गिरती हैं तो इस दौरान उस पूरे प्रोसेस में वो कहाँ से गुजरती हैं, कैसी कैसी फॉर्मेशन फॉर्म करती हैं, तो ये सब बहुत इंटरेस्टिंग है और ये आप रोज़ाना अपने आसपास देखते हैं। उसके बाद बारिश यानी कि जो बूंदें होती हैं वो कैसे टिप टिप करके ज़मीन पर गिरती हैं, बारिश कैसे होती है, प्रेसिपिटेशन कैसे होता है, फिर कंडेंसेशन होता है, वाटर साइकिल क्या होता है, ये सब आपको इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि बारिश में भीगना सबको अच्छा लगता है, और जब बारिश की टिप टिप करती बूंदें जब ज़मीन पर गिरती हैं तो हमारे चारों तरफ का जो इन्वायरमेंट होता है, बर्ड्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, सब बड़े खुश हो जाते हैं। तो क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि ये कैसे होता है? जब टेम्परेचर, तापमान कम हो जाता है, जलवायु यानी क्लाइमेट ठंडी हो जाती है, तो हिमवृष्टि होती है यानी कि बारिश, बूंदों, बर्फ़ की बारिश होती है। ये कैसे होती है? तापमान, जलवायु, ये सब क्या है? यही तो एसएसटी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स एसएसटी को बहुत ही डिफ़िकल्ट समझते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारा सिलेबस होता है। आई एग्री विद यू स्टूडेंट्स, सोशल साइंस के अंदर बहुत वास्ट सिलेबस है, लेकिन यदि आप उसको स्मार्टली पढ़ते हैं देन ये बहुत इजी हो जाता है। जिस तरह से मैथमेटिक्स में कहा जाता है कि आप जब तक अपने हाथ से सम्स को सॉल्व करके नहीं देखते हैं आपको वो सम्स समझ नहीं आएंगे, ऐसे ही इतने वास्ट सिलेबस को जब तक आप रिटन प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप उस पर अपना होल्ड नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि मैं बहुत सारे टीचर्स से एग्री ना करती हूँ, लेकिन ये मेरा मानना है कि आप जब तक रिटन प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप हाई स्कोर अचीव नहीं कर पाएंगे। मस्ट है रिटन प्रैक्टिस सोशल साइंस में। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो समझते हैं कि सोशल साइंस एक स्टोरीज, आप कुछ भी उसके अंदर ऐड कर सकते हो और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। फर्स्ट रिमाइंड दिस थिंग इन योर माइंड लर्नर्स, कोई भी एग्जामिनर थोरोली आपके आंसर को पढ़े बिना आपको मार्क्स नहीं देता है। आपका साइज, आपके आंसर का साइज देखकर आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं, एग्जामिनर के मूड से भी आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं, आपको मार्क्स मिलते हैं जो आपने पेपर में लिखा है, और सभी एग्जामिनर्स थोरोली आपके आंसर को पढ़ने के बाद ही आपको मार्क्स देते हैं। तो इट इज़ मस्ट कि आप उसके अंदर ऐसी वैसी कोई भी स्टोरीज़ या बॉलीवुड सॉन्ग्स ऐड ना करें, क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स जब मैंने चेक किए तो देखा कि बच्चे जो हैं वो फर्स्ट और 2-3 लाइंस और लास्ट 2-3 लाइंस में क्वेश्चन से रिलेटेड मैटर लिख के बीच में कुछ भी स्टोरीज़ या फिर सॉन्ग्स डाल देते हैं और समझते हैं कि एग्जामिनर बस साइज देखेगा कि मैंने कितना बड़ा लिखा है और मुझे मार्क्स दे देगा। तो ये आप इस गलती में बिल्कुल भी मत रहिए।
हार्ड वर्क आपको करना ही करना पड़ेगा। हार्ड वर्क की कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, लेकिन आप टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन के इरा में जी रहे हैं, यहाँ पर आपको हार्ड वर्क करना है बट स्मार्टली वे में। हम स्मार्ट तरीके से अपना आंसर्स लर्न करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन जुसेपे मैज़िनी। अब आपको यहाँ जुसेपे मैज़िनी के बारे में एक शॉर्ट नोट लिखना है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जुसेपे मैज़िनी को यूनिफिकेशन ऑफ इटली के प्रोसेस में उनके एफर्ट्स के लिए जाना जाता है। उन्हें इटली की स्पिरिचुअल फोर्स कहा जाता है। दो सोसाइटीज, सीक्रेट सोसाइटीज़ उन्होंने इस्टेब्लिश की थी, यंग इटली एंड यंग यूरोप, जिनके थ्रू उन्होंने इंस्पायर किया था यूथ को टू अचीव फ्रीडम या टू गेट फ्रीडम। हालांकि वो फेल हो गए थे अपने इस पूरे एफर्ट्स में, बट उन्होंने एक रास्ता दिखाया था फ्रीडम का पीपल्स को। तो ये आंसर है, ये 3 मार्क्स का आंसर है, और आप 3 मार्क्स को इस तरह से पॉइंट फॉर्म में अटैम्प्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को, तो एग्जामिनर को आप मजबूर कर देंगे कि वो आपको पूरे 3 मार्क्स दे। अब यदि इसी आंसर को आप इस तरह से लिखते हो, ये बेटर है या ये बेटर, आई एम 100% श्योर, देन मोस्टली स्टूडेंट्स मुझसे एग्री करेंगे कि ये वाला ऑप्शन मच बेटर है। ओके, नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। आपको कैवूर और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट पे नोट लिखना है। तो कैवूर के बारे में, उन्होंने कंप्लीट किया था यूनिफिकेशन प्रोसेस को, जो मैज़िनी ने स्टार्ट किया था। वो सार्डिनिया पिडमोंट के प्राइम मिनिस्टर बने 1852 एडी में। उन्होंने बहुत सारे अदर स्टेट्स को अट्रैक्ट किया कि वो इटली के अंदर मर्ज हो जाएं, और उन्हें बिस्मार्क ऑफ इटली कहा जाता है। दैट्स इनफ, इससे ज़्यादा आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट पे नोट लिखना है। तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को 1848 में जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए इनवाइट किया गया था। ये फर्स्ट फ्रीली इलेक्टेड पार्लियामेंट थी। इन्होंने वोट किया और डिसाइड किया, एक जर्मन नेशनल असेंबली बनाई थी, जिसमें 831 मेंबर्स इलेक्ट हुए थे, और इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था। दैट्स ऑल, दिस इज़ द 5 मार्क्स क्वेश्चन। यहाँ मैं थोड़ा सा पेपर पैटर्न पे आपको बात करना चाहूँगी। आपके पेपर में फर्स्ट 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट मार्क्स के 1 मार्क के क्वेश्चन में कंपल्सरी है कि आपका आंसर बहुत लिमिटेड होना चाहिए। आपका आंसर एक वर्ड या फिर एक लाइन में लिमिटेड होना चाहिए, उससे ज़्यादा का आंसर आप नहीं लिखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं, मुझे पता है आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आपको आता है और बहुत अच्छे से आता है, तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आप वो 7-8 लाइन का पूरा आंसर चिपका देते हो। स्टूडेंट्स, आपको मार्क्स उसके अंदर 1 ही मिलेगा, तो डोंट वेस्ट योर टाइम, क्योंकि जब बाद में आप बड़े क्वेश्चंस करते हैं 3-5 मार्क्स के, तब आपके पास टाइम ही नहीं होता है। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए नेसेसरी है कि आप अपने आंसर को 1 वर्ड और 1 लाइन में लिमिटेड करें। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में 3-4 पॉइंट्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन में 5-6 पॉइंट्स प्लस उनकी डिस्क्रिप्शन, यानी उनको डिस्क्राइब करना है आपको, तभी आपको पूरे 3 पॉइंट्स मिलेंगे और तभी आपको पूरे 5 पॉइंट्स मिलेंगे। बट पॉइंट्स को भी लिखने का तरीका होता है। आपने फर्स्ट पॉइंट लिखा, उसकी हेडिंग लिखी, हेडिंग को लिखने के बाद उसको अंडरलाइन करो, फिर उसको डिस्क्राइब करो। मान लीजिए आपका जो डिस्क्रिप्शन है वो 2-3 लाइन्स के अंदर हो गया। जैसे ही आपकी फर्स्ट पॉइंट की डिस्क्रिप्शन ख़त्म हो जाती है, उसके बाद 1 लाइन का गैप छोड़ेंगे और नेक्स्ट लाइन में आप सेकंड पॉइंट लिखेंगे। सेकंड पॉइंट, उसकी हेडिंग, फिर उसकी डिस्क्रिप्शन, फिर 1 लाइन का गैप, फिर नेक्स्ट पॉइंट, उसकी हेडिंग, उसकी डिस्क्रिप्शन। आपको इस तरह से पेपर को अटैम्प्ट करना है। बिल्कुल भी
पैराग्राफ में आपको आंसर्स नहीं लिखने हैं, क्योंकि आप हिंदी का ऐसे नहीं लिख रहे हैं वहाँ पर. यू आर गोइंग टू अटैम्प्ट द सोशल साइंस पेपर, सो ट्राई टू बी लिमिटेड. जितना सिलेबस लेंदी होता है उतना ही आपका सोशल साइंस का पेपर भी लेंदी होता है. तो टाइम प्रैक्टिस मस्ट है, और वो कब आएगी? जब आप रिटन प्रैक्टिस करेंगे. अब यहाँ पर है, व्हाट स्टेप्स डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज टेक टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल? उन्होंने फादरलैंड और सिटीजन्स का आइडिया फॉलो किया. न्यू ट्राइकलर फ्रेंच फ्लैग उन्होंने बनाया. नेशनल असेंबली को इलेक्ट किया. इक्वालिटी के लिए यूनिफॉर्म लॉज लेकर आए. मेजर्स और वोट्स के लिए वेट्स के लिए यूनिफॉर्म सिस्टम बनाया, जिसे डेसिमल सिस्टम कहा गया था. और फ्रेंच लैंग्वेज को नया फ्रांस की लैंग्वेज यानी कि नेशनल लैंग्वेज अनाउंस किया. इन्हीं पॉइंट्स को, इन्हीं 5 पॉइंट्स को आप पैराग्राफ में लिखते हैं तो भी आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे, और यदि आप इस तरह से डायग्राम बनाकर लिखते हो तब भी आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे. बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न रहता है कि यदि हम पॉइंट्स इस तरह से डायग्राम फॉर्म में लिखते हैं, बहुत सारे जो ट्यूटर्स होते हैं वो उन्हें मिसगाइड करते हैं कि डायग्राम्स में आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं. बट आई एम 100% श्योर बेटा, आपको डायग्राम में ही आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे. तो आप अपने कॉन्सेप्ट मैप, माइंड मैप, फ्लो डायग्राम्स बनाना सीखिए. नेक्स्ट है, नेपोलियन की जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे उसने एडमिनिस्ट्रेशन में रिवोल्यूशन लेकर आया, या इसी क्वेश्चन को ये एक स्टेटमेंट दे दी और इस पर कमेंट पूछा गया है, या दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि नेपोलियन ने एफिशिएंटली अपनी टेरिटरीज को रूल करने के लिए कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को फॉलो किया. उसने सारी जो बर्थ बेस्ड प्रिविलेजेस थी उनको अबॉलिश कर दिया. इक्वालिटी के लिए यूनिफॉर्म लॉ लगाया. फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म किया. गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव किया. गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जो स्टेट टू स्टेट जब ट्रेड करते थे तो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होती थी, यानी कि उन्हें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स के जो टैक्सेस होते थे वो पे करने पड़ते थे, एक्साइज ड्यूटीज़ पे करनी पड़ती थी, तो वो रिमूव कर दी थी. ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के लिए उन्होंने एक इम्प्रूव्ड सिस्टम फॉलो किया. वेट और मेजर्स को स्टैंडर्डाइज कर दिया. यदि आपसे और करके सेकेंड वाला क्वेश्चन पूछा गया है तो आप ये 5 या 6 पॉइंट आप लिखेंगे. उसके बाद यदि आपसे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप नीचे कंक्लूजन में 10 करके वी एग्री विद द स्टेटमेंट करके पूरी ये स्टेटमेंट आपको एज इट इज लिख देनी है. आई होप आपको क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, डू इट योर सेल्फ. एक्चुअली मैंने यूनिफिकेशन ऑफ इटली, जर्मनी और ब्रिटेन के ऊपर बहुत अच्छे से वीडियोस बनाई हैं. मैंने उस पूरे चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे वीडियोस में आप लोगों को समझाया है, और आई होप मेरे पास बहुत अच्छे कमेंट्स आए हैं कि स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से समझ में आया. आप वहाँ से वीडियो देखिए और इटली और जर्मनी के यूनिफिकेशन प्रोसेस को डायग्रामिक फॉर्म में लिखने की कोशिश कीजिए. मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये भी कमेंट्स किया था कि मैं उस पूरे चैप्टर को एक वीडियो में कंपाइल करूं और आपको समझाऊं, तो उस पर मैं काम कर रही हूं, और जल्दी ही आपको इस पूरे चैप्टर का एक वीडियो देखने को मिलेगा जिसमें आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे. ओके, उसके बाद नेक्स्ट है, इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट वॉज ए रिजल्ट ऑफ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस. कमेंट, यहाँ पर फिर से स्टेटमेंट दे दी है और आपका कमेंट पूछा गया है कि जो ब्रिटेन में नेशन स्टेट की जो फॉर्मेशन थी वो एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया थी, क्योंकि वहाँ पर कोई रेवोल्यूशन नहीं हुआ था. जब मैंने वीडियो बनाई थी तो मैंने आपको समझाया था, इसीलिए उसको एक स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन देकर आपकी बुक में हेडिंग दी गई है. यहाँ पर
एक वर्ड आया नेशन स्टेट। तो जब आप आंसर अटेम्प्ट करेंगे, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, तो सबसे पहले आप नेशन स्टेट को डिफाइन करेंगे कि नेशन स्टेट होता क्या है। एक फॉर्म होती है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें बहुत सारे जो लोग होते हैं उनकी सेम हिस्ट्री, सेम ट्रेडिशन और कॉमन आइडेंटिटी को वो शेयर करते हैं। आप डिफाइन करने के बाद फिर आप उसको बताओगे कि 18th century में कोई भी ब्रिटेन के अंदर नेशन स्टेट नाम का आइडिया नहीं था। बहुत सारी लैंग्वेजेस, बहुत सारी आइडेंटिटीज थी, बहुत सारे इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और आयरिश नाम के एथनिक्स ग्रुप्स थे, जिनकी अपनी अपनी कल्चरल और पॉलिटिकल ट्रेडिशंस थी। इंग्लिश जो इंग्लैंड था उसको वेल्थ मिली, इम्पॉर्टेंस मिली, पावर मिली, क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था, जिसकी वजह से उसने अपने एक्सटेंड किया, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया, और जिसका रिजल्ट क्या हुआ, ब्रिटेन जो है वो यूनिफाई हो गया। तो आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप के अंदर नेशनलिज्म लाने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे। यहाँ पर 5 points आप देख सकते हो, इन्हीं 5 points को आपको डिस्क्राइब भी करना है। जो स्टूडेंट्स मेहनत करके खुश नहीं होते, ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करते, वो एटलीस्ट ये डायग्राम एज इट इज़ लर्न करें और एज इट इज़ पेपर के अंदर बना कराएं। मैं पूरे 5 marks आपको आएंगे इस बात के लिए अश्योर नहीं हूँ, लेकिन 5 में से आपको 3 marks ज़रूर मिल जाएंगे, इस बात की श्योरिटी है मुझे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, कुछ इम्पॉर्टेंट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जो लगातार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, आपको इनको भी अटेम्प्ट करना है, क्योंकि एक चीज़ को लर्न करना और फिर उसको क्वेश्चन फॉर्म में लर्न करना, ये दीज टू थिंग्स आर क्वाइट डिफरेंट। आप क्वेश्चन पूछने की हैबिट बनाइए, जब तक आप क्वेश्चंस पुट नहीं करेंगे तब तक आपको उस टॉपिक से रिलेटेड जो आइडियाज़ हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो क्लियर नहीं होंगे। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते। आप बेल आइकन को प्रेस किए, बेल आइकन प्रेस करने से आपको मैं जो नेक्स्ट वीडियो डालूँगी उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देख पाएंगे। सो दैट्स नॉट ऑल फॉर टुडे। एक्चुअली एलिग्री से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। ये हैं क्रिश्चियन मैरियन, मैंने आपको वीडियो में समझाया था, और ये है जर्मेनिया। तो ये एलिग्रीज क्या होती हैं और इनको क्यों आर्टिस्ट ने इम्प्लीमेंट किया, इससे भी कई बार आपसे क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। सो आपको ये भी प्रिपेयर करना है। नाउ दैट्स ऑल फॉर आवर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू।